गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। देखिए, वहां जाने मुझे 2 मिनट लगता है, आप ऐसा सेंटेंसेस बहुत यूज करते हैं, उस चीज को आज से आप इंग्लिश में बोलिए। वहां जाने मुझे 2 मिनट लगता है, इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इट का यूज करना होगा, उसके बाद टेक्स लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा और प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखना होगा, प्लस टू प्लस वी वन का यूज करना होगा। वहां जाने में मुझे 2 मिनट लगता है, पहले में क्या लिखना है? इट। क्या लिखना है? इट। तो हम पहले इट का यूज करेंगे, इट। उसके बाद क्या लिखना है? टेक्स। क्या लिखना है? टेक्स। तो हम लिखेंगे टेक्स, इट टेक्स। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है यहाँ पे, तो मुझे का आई, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो यहाँ वहां जाने मुझे 2 मिनट लगता है, तो मुझे का हम क्या लिखेंगे? मी, इट टेक्स मी। यही होता उसे तो हिम लिखते, हम लोग होता तो अस लिखते, उन लोगों का होता तो देम लिखते, और कोई नाम होता राम श्याम तो उसका वही होता, क्योंकि नाम का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है। इट टेक्स मी। उसका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखना है। क्या लिखना है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो टाइम एक्सप्रेसिंग क्या वर्ड है? 2 मिनट। क्या? 2 मिनट। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 महीने, ये होगा उसको लिखेंगे। तो 2 महीना का क्या वर्ड? 2 मिनट। तो 2 मिनट्स, इट टेक्स मी 2 मिनट्स। और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बाद हमें क्या लिखना है? टू लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? टू। उसके बाद हमें क्या लिखना है? वी वन। तो जाना खाना जो होगा, तो जाना का क्या होगा? गो। अब क्या बचा है? एक वहां बचा है, तो जो भी टू प्लस वी वन के बाद अब बचा हुआ वर्ड होगा उसको लिख देंगे। तो वहां का क्या होगा? देर। इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू गो देयर। वहां जाने में मुझे 2 मिनट लगता है। इट मींस हम कहेंगे इसको इंग्लिश में, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू गो देयर। सीता से बात करने में उसे 3 घंटे लगते हैं। इट टेक्स, उसे का हिम लिखे, इट टेक्स हिम 3 आवर्स टू टॉक टू सीता। कॉलेज जाने में मुझे आधा घंटा लगता है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू कॉलेज। देखिए, सिर्फ बनाइए ही मत, बोलिए, क्योंकि जितना ही बोलिएगा उतना ही जल्द आपको आएगा। कार से पटना जाने मुझे आधे घंटा लगता है, तो कार से पटना जाने मुझे आधे घंटा लगता है, तो हम पहले इसका लिए भी क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे, इट। उसके बाद हम टेक्स लिखेंगे, इट टेक्स। अब मुझे तो मी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख दे, इट टेक्स मी। उसका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है? आधा घंटा। तो आधा घंटा क्या होगा? हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। इट टेक्स मी हाफ एन आवर। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखने के बाद हमें क्या लिखना है? टू प्लस वी वन, तो टू लिखेंगे। अब वी वन, तो जाना का क्या होगा? गो। अब पटना, तो टू गो टू पटना। कैसे? तो कार से, तो बाई कार। यानी हम लिखेंगे, इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू पटना बाई कार। कार से पटना जाने मुझे आधे घंटा लगता है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू पटना। बस से उसे पटना जाने में 4 घंटा लगता है। इट टेक्स हिम 4 आवर्स टू गो टू पटना बाई बस। साइकिल से मुझे कॉलेज जाने में 10 मिनट लगता है। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू गो टू कॉलेज बाई साइकिल। पैदल बाजार जाने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगता है। इट टेक्स मी हार्डली 5 मिनट्स टू गो टू मार्केट। आप बोलिए साथ साथ, आपको आएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ आने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगता है। यहाँ आने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगता है, हम कैसे लिखेंगे? इट। उसके बाद टेक्स,
अब मुझे का मे, इट टेक्स मे। और उसका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखना है हमें, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है, पांच मिनट, तो पांच मिनट क्या हम लिखेंगे, फाइव मिनट्स। इट टेक्स मी फाइव मिनट्स। और उसके बाद टू प्लस भी वन, तो आना, तो आना का क्या होगा, कम, यहां का हेयर। इट टेक्स मी फाइव मिनट्स टू कम हेयर, यहां ने मुझे पांच मिनट लगता है। इट टेक्स मी फाइव मिनट्स टू कम हेयर, उसे खाने में तीन घंटा लगता है। इट टेक्स हिम थ्री आवर्स टू ईट, उसे कुछ कहने में बहुत समय लगता है। इट टेक्स हिम ए लॉन्ग टाइम टू से समथिंग। आगे देखिएगा, प्लेन से अमेरिका जाने में आपको कितना समय लगता है, कुछ डब्ल्यू एच वर्ड भी सीख लीजिए। प्लेन से अमेरिका जाने में आपको कितना समय लगता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए हम पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखेंगे, तो हाउ मच प्लस टाइम प्लस डज प्लस इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस भीवन लिखेंगे। प्लेन से अमेरिका जाने में आपको कितना समय लगता है, हम पहले लिखेंगे कितना, हाउ मच, हाउ मच कितना समय, तो हाउ मच टाइम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डज, हाउ मच टाइम डज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इट। उसके बाद टेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपको, आपको का क्या होगा, यू, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू। और उसके बाद टू प्लस वी वन, तो फिर टू लिखेंगे और फिर वी वन हमें लिखना है, तो जाना का क्या होगा, गो, टू गो, और कहां, पट अमेरिका, टू गो टू अमेरिका, किस चीज से, तो प्लेन से, तो बाई प्लेन। आपको पता है किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम बाइक यूज करते हैं, यानी जिस साधन से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहां पे किसका यूज होता है, बाइक का। प्लेन से बाई प्लेन, कार से बाई कार, बस से बाई बस। तो आपको ऐसे ही कोई पूछे कि आपको यहां आने में कितना समय लगता है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू कम हेयर, आपको खत लिखने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू राइट ए लेटर, कॉलेज जाने में आपको कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू कॉलेज, आपको उससे बात करने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू टॉक टू हिम, आपको यहां अंग्रेजी पढ़ाने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू टीच इंग्लिश। अगला है हमारा, प्लेन से अमेरिका जाने में मुझे ढाई घंटा लगता है, प्लेन से अमेरिका जाने में मुझे ढाई घंटा लगता है, यही तो हम पहले लिखें, इट टेक्स, इट टेक्स, अब मुझे, तो मुझे का मी, इट टेक्स मी लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इट टेक्स मी, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो ढाई घंटा, ढाई घंटा का क्या लिखेंगे, टू एंड हाफ आवर्स लिखेंगे, टू एंड हाफ आवर्स, टू एंड ए हाफ आवर्स, एस लगाएंगे, आवर्स प्लुरल बनाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो गई, ढाई घंटा, इट टेक्स मी टू एंड ए हाफ आवर्स। अब प्लेन से अमेरिका जाने में, तो टू प्लस वी वन, टू गो टू अमेरिका, टू गो टू अमेरिका बाई प्लेन। इट टेक्स मी टू एंड ए हाफ आवर्स टू गो टू अमेरिका बाई प्लेन। ऐसे ही कोई पूछे आपसे कि आपको यहां आने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू कम हियर, यहां आने में मुझे दो मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी टू मिनट्स टू कम हियर,
अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। हम भी इंग्लिश में बोलेंगे, आप भी इंग्लिश में बोलिए। हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू गो टू सिवान बाई कार? कार से सिवान जाने में आपको कितना समय लगता है? जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू सिवान बाई कार से सिवान जाने मुझे आधे घंटा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज इट टेक यू टू टॉक टू हिम? आपको उससे बात करने में कितना समय लगता है? बिल्कुल सही, इट डज नॉट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू टॉक टू हिम, उससे बात करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है। अब देखिए, पटना जाने में मुझे 2 घंटे लग गए, यानी आ ई आ जा रहा है अंत में, यानी सिंपल पास्ट की बात होने लगी। तो जहां पे सिंपल पास्ट की बात होगा वहां पे हम भी टू के यूज करेंगे, और जहां पे ताहती है होगा तो वहां पे हम यूज करते थे भी वन या भी फाइव का। जैसे यहां आने में मुझे 10 मिनट लगता है तो ताहती है आ जा रहा है, तो यहां पे हम इट टेक्स मी 5 मिनट्स, यहां ने मुझे 5 मिनट लगता है तो इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू कम हेयर। और यहां पे क्या, यहां ने मुझे 5 मिनट लग गए, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो इट टुक मी 5 मिनट्स टू कम हेयर। हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, पटना जाने मुझे 2 घंटे लग गए, हमें इसके लिए क्या स्ट्रक्चर, पहले इट लिखना है, उसके बाद टुक लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड प्लस टू प्लस भी वन का यूज करना है। तो पहले पटना जाने मुझे 2 घंटे लग गए, तो पहले हमें इट लिखना है तो हम इट लिख दिए, उसके बाद हमें क्या यूज करना है टुक, तो हम टुक लिख दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो मुझे मुझे तो मी लिखेंगे, उससे होता तो हिम लिखते, तुम लोग का होता है तो यू, उन लोग का होता है तो देम, तो इट टेक्स मुझे का मी। और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखना है तो 2 घंटे, तो 2 घंटे के क्या होगा 2 आवर्स, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है टू प्लस भी वन यूज करना है, तो टू गो जाना का, वहां पटना जाने में तो जाने का क्या होगा टू गो, अब पटना तो टू पटना, इट टुक मी 2 आवर्स टू गो टू पटना। पत्र लिखने में उसे 3 घंटा लग गया, तो इट टुक हिम 3 आवर्स टू राइट ए लेटर। सोनी से बात करने में उसे 10 मिनट लग गए, इट टुक हिम 10 मिनट्स टू टॉक टू सोनी। अगला देखिए, अंग्रेजी सीखने में मुझे लगभग 3 महीने लगे, अंग्रेजी सीखने में मुझे लगभग 3 महीने लगे, तो हम पहले क्या लिखे इट, तो इट उसके बाद टुक, तो इट टुक मी लगभग 3 महीने, तो लगभग 3 महीने तो अबाउट 3 मंथ्स, लगभग 2 साल तो अबाउट 2 ईयर्स, तो इट टुक मी अबाउट 3 मंथ्स, लगभग 3 महीने टू लर्न इंग्लिश, टू प्लस वन, तो इट टुक मी अबाउट 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। अगला है, यहां आने में आपको कितना समय लगा? अब डब्ल्यू एच वर्ड से थोड़ा क्वेश्चन, आपको यहां आने में कितना समय लगा, हम इसके लिए लिखेंगे हाउ मच टाइम प्लस डिड प्लस इट प्लस टेक का यूज करेंगे, क्योंकि डू डज डिड के बाद ऑलवेज भी वन का यूज होता है, और प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज करें, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू प्लस भी वन का यूज करेंगे। एक बार देखिए, हाउ मच टाइम प्लस डिड प्लस इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस भी वन का, आपको यहां आने में आपको कितना समय लगा, तो हम पहले लिखेंगे हाउ मच, तो हम हाउ मच लिख दे, उसका टाइम लिखना है तो टाइम लिखे, उसके बाद हमें डिड लिखना है तो डिड के यूज किए, उसके बाद हमें इट लिखना है इट, और टेक लिखना है टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपको का हम क्या लिखेंगे यू, मुझे होता तो मी, उससे होता तो हिम लिखते, और उसके बाद हमें टू प्लस भी वन तो टू, आना का क्या होगा कम तो कम लिखे, और यहां का हेयर, तो हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू कम हेयर। सिवान जाने में आपको कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू गो टू सिवान। यह काम का खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगा,
हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू फिनिश दिस वॉक, पैदल बाजार जाने में आपको कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू गो टू मार्केट ऑन फुट, प्लेन से आपको दिल्ली जाने में कितना समय लगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू गो टू दिल्ली बाय प्लेन। नेक्स्ट है, यहां आने में मुझे लगभग 20 मिनट लगे, यहां आने में मुझे लगभग 20 मिनट लगे, तो इट टुक मी लगभग 20 मिनट, अबाउट 20 मिनट्स टू कम हियर, इट टुक मी अबाउट 20 मिनट्स टू कम हियर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखने में कितना समय लगा, इट टुक मी अबाउट 5 मिनट्स टू राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखने में मुझे 5 मिनट लगा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू टू रिमेंबर योर लेसन, आपको अपना पाठ याद करने में कितना समय लगा, इट टुक मी अबाउट 1/2 hour टू रिमेंबर माई लेसन, अपना पाठ याद करने में मुझे आधे घंटा लगा। और दूसरा पैटर्न देखिए, अंग्रेजी सीखने में आपको लगभग 3 महीने लगेंगे, अब गाय गेगी आ गया तो आप सेल विल का यूज कीजिएगा, अंग्रेजी सीखने में आपको लगभग 3 महीने लगेंगे, तो इट पहले हम लिखेंगे अब प्लस विल अब प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस टू प्लस V1 के यूज करेंगे, तो आप अंग्रेजी सीखने में आपको लगभग 3 महीने लगेंगे, इट विल टेक यू, इट विल टेक यू, और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स क्या है, लगभग 3 महीने, तो अबाउट 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। ऐसे ही मैं कहूं आपको यह काम करने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू फिनिश दिस वर्क, आपको यहां आने में 10 मिनट लगेगा, इट विल टेक यू 10 मिनट्स टू कम हियर। और देखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण करने में सरकार को कितना समय लगेगा, हम पहले लिखेंगे WH वर्ड, हाउ मच टाइम विल इट प्लस टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, तो इसका बनाएंगे हाउ मच टाइम ये लिखना है तो हम हाउ मच टाइम लिख दे, उसका विल लिखना है तो विल लिखे, उसका इट लिखना है तो इट लिखे, फिर टेक लिखना है टेक लिखे, ऑब्जेक्ट तो दो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट, और उसके बाद टू प्लस V1 तो टू प्लस V1 टू कंट्रोल लिखे, और जनसंख्या को जनसंख्या का पॉपुलेशन, इट मीन्स हाउ मच टाइम विल इट टेक द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण करने में कितना समय लगेगा, आपको वहां रहने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू लिव देयर, आपको अपने अंग्रेजी सुधारने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारने में लगभग 2 महीने लगेंगे, इट विल टेक मी अबाउट 2 मंथ्स टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आपको बाइक से पटना जाने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक यू टू गो टू पटना बाई बाइक, मुझे पटना जाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, इट विल टेक मी हार्डली 20 मिनट तो 20 मिनट्स टू गो टू पटना। इस प्रकार आप कोशिश कीजिए, आई होप आप बहुत अच्छा इंग्लिश।